जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की शुरू में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ इंग्लिश के राइटिंग वाले पोर्शन में पूछे जाने वाले एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपसे पूछा जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियर्ड रेगुलरली। यानी कि आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है प्रिंसिपल के पास, आज की शुरू में बेहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे। और किस टॉपिक पर एप्लीकेशन लिखना है, कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियर्ड क्लीन रेगुलरली, यानी कि जो आपके स्कूल में वाटर टैंक है वो रोजाना क्लियर नहीं किया जा रहा है, इस टॉपिक पर लिखना है। और ये हर एक साल इस टॉपिक पर बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए कैसे लिखना है आपको लिख लिख कर समझाएंगे सारी चीजें। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारी इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले इसके लिए हम लेते हैं स्केल। तो ये है स्केल, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। नहीं, हमने नहीं देखा। ये क्या है? ये जो आपका पटरी है, ठीक है ना। तो आइए इसे खींचते हैं। आइए देखो यहाँ पर कैसे खींचेंगे। यहाँ पर देखो कैसे खींचते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्केल से ये खींच देंगे। चलो यहाँ पर इस तरीके से देखो, इस तरीके से हम लाइन खींच देंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से लाइन आप खींच दोगे। लाइन खींचने के बाद देखो, यहाँ पर लाइन खींचने के बाद, यहाँ पर लाइन खींचने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे। देखो लिखने का तरीका बेहतरीन मालूम होना चाहिए। सबसे पहले ये राइटिंग पोर्शन दिया है ना, तो ऊपर में सबसे पहले ऊपर में क्या लिखोगे, राइटिंग लिखोगे। देखो कैसे, इस तरीके से आप लिखोगे राइटिंग, ठीक है ना। सबसे पहले ऊपर राइटिंग लिख दोगे। राइटिंग वाले पोर्शन को लिखने के बाद यहाँ पर देखो, ये आंसर नंबर आपके दो में पूछा जा रहा है, तो आंसर नंबर दो का अथवा वाला है, तो आंसर नंबर दो का और लिखा तब जाकर हम अच्छे से लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर, आंसर नंबर दो का आपका कौन सा वाला था, अथवा वाला था, तो अथवा हमने लिख दिया। अब इसको भी ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, सेम इसी प्रकार से लिखना है। अब देखो ऐसे हमने कर दिया, उसके बाद देखो अब कैसे लिखना है एप्लीकेशन, अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले एप्लीकेशन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं टू, क्या लिखते हैं, टू, टू लिखकर उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं। टू लिखने के बाद कॉमा लगा देते हैं। टू लिखने के बाद नीचे क्या कहते हैं, जिस भी व्यक्ति को लिख रहे हो एप्लीकेशन, उस व्यक्ति का यहाँ पर जो भी वो होगा, यानी कि हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो द यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है ना। और सेम यही फॉर्मेट होना चाहिए, टू लग के लग बाद कॉमा लगाने के बाद ठीक नीचे ही यहाँ पर लिखना है द प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब चलो अब देखो जिस भी कॉलेज का, जिस भी स्कूल का वो प्रिंसिपल हो, वहां पर उस स्कूल का नाम लिख देंगे। मान लीजिए कि मैं कुछ भी एक्स वाई जेड मान ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए कि जी एम टी एस कॉलेज, एग्जाम्पल के तौर पर आप जो मन वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना। उसके बाद अब कॉलेज का जो भी एड्रेस होगा, कॉलेज का जो भी एड्रेस होगा, उसके नीचे एक लाइन, मतलब कि इसके बाद लिख देना नीचे यहाँ पर। तो देखो हम लिख दे रहे हैं अपने कॉलेज का जो भी एड्रेस है, इस तरीके से आप लिख दोगे अपने कॉलेज का एड्रेस, अच्छे से समझ में आना। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर अच्छे से ब्लैक पेन उठाना, ब्लैक पेन उठाने के बाद एक लाइन छोड़कर अपना डेट लिख देना। क्या लिखना है, डेट, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो वो डेट यहाँ पर लिख देना। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कितना लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए कुछ भी, यहाँ पर 18, यहाँ पर फरवरी, लेकिन एक चीज ध्यान देना, डेट लिखते समय एक चीज ध्यान देना कि ये जो आप लिखोगे तो ये जो है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट 18 यहाँ पर लिखकर और यहाँ पर 02 लिखकर यहाँ पर 2014 लिख देते, लेकिन ऐसे नहीं करना है, सेम इसी पैटर्न पर लिखना है। देखो 18 फरवरी 2024 इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अब चलो फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद सेम इसी फॉर्मेट में आना चाहिए एकदम सीधा, ये चीज़ ध्यान देना। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, जिस भी सब्जेक्ट, मतलब क्या करना था कि कंप्लेन करना था वाटर टैंक साफ नहीं किए जा रहे हैं रेगुलर, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे कंप्लेन अबाउट अनक्लीन वाटर,
आपको ये जो होता है, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 4 से 5 वर्ड में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कंप्लेन अबाउट अनक्लीन वाटर, अब इतना समझ में आना। तो फॉर्मेट ही अच्छा होता है, फॉर्मेट जितना अच्छा बना दोगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, अब फॉर्मेट गलत हो जाएगा तो आपके मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे, ये समझ लेना। तो चलो फॉर्मेट हमने बना दिया, अब उसके बाद एक लाइन छोड़कर अब स्टार्ट करेंगे जो मेन चीज होता है। तो मेन चीज क्या है, लिखेंगे डियर, डियर सर, डियर सर होंगे तो सर, या फिर मैम मान लीजिए कि होंगे तो मैम यहाँ पर कर दीजिए, डियर सर या मैम। उसके बाद कॉमा लगा दीजिए, क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के ठीक नीचे, कॉमा के ठीक नीचे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आई वांट टू, देख लेना यही फॉर्मेट रहना चाहिए, आई वांट टू से यू, आई वॉन्ट टू से यू, मैं मतलब कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, आओ देखो क्या कहना चाहता हूँ, अपना जो भी परेशानी होगा, मतलब कि साफ नहीं किया जा रहा है वाटर टैंक, तो उसके रिलेटेड जो भी परेशानी होगा उसके बारे में लिखो। तो आई वॉन्ट टू से यू, यहाँ पर लिखेंगे आई वॉन्ट टू से यू। उसके बाद देखो दैट, यहाँ पर लिखेंगे दैट, दैट द वाटर, दैट द वाटर टैंक, यहाँ पर लिखेंगे द वाटर टैंक, या फिर द वाटर लिखेंगे, टैंक नहीं लिखेंगे, द वाटर इन आवर कॉलेज, इन आवर कॉलेज इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग क्लीन्ड, या फिर लिखेंगे इज नॉट बीइंग क्लियर्ड, ठीक है ना, इज नॉट क्लियर्ड, यहाँ पे बीइंग ना लगाएंगे, इज नॉट क्लियर्ड रेगुलरली, ठीक है ना, क्लियर्ड रेगुलरली, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब उसके बाद यहाँ पर से लिखोगे एज द रिजल्ट, यानी कि अपना जो भी इस पर मतलब विचार होंगे, जो भी आपके मतलब इस पर जितने भी आपके डिटेल में लिख सकते हो उस चीज को आप पर लिख सकते हो, अपनी परेशानी जो भी परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे एज द रिजल्ट, क्योंकि इसमें परेशानी ही लिखी जाती है अप्लीकेशन में, एज द रिजल्ट, एज द रिजल्ट मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, many of the students, many of the students, ठीक है ना, are falling ill, यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो most of the student, उसके बाद लिखेंगे most of the student, most of the students are absent due to this, यानी कि इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, absent हो रहे हैं, यानी कि अनुपस्थित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे therefore I request, यहाँ पर EST, request, I request, यहाँ पर therefore के बाद कॉमा लगा देना, ठीक है ना, therefore I request you to give a strict order, order to, give a strict order to peon, यानी कि ये इस मतलब कि आप कहिए क्या, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपसे अनु मतलब निवेदन है कि आप जो है स्ट्रिक्ट ऑर्डर दीजिए पियोन को, किस कारण कि टू क्लीन, टू क्लीन द टैंक रेगुलर, कि वो रोजाना क्या करे कि टैंक को साफ करे, ठीक है ना, टू टैंक, टू क्लीन द टैंक रेगुलर, ठीक है ना, रोजाना टैंक को साफ करे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, इतना आपने कर दिया, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक इस तरीके से। अब देखो इतना लिख दिया, तो देन उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर पीछे पलटेंगे, अब पीछे पलटने के बाद यहाँ पर जो है स्केल से खींच लेना अच्छे से, देन उसके बाद लिखना थैंकिंग यू,
क्या लिखना है और सेम उसी के नीचे से लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर हम खींच देते हैं, सबसे पहले बता ही दें, देखो इसी प्रकार से कोई भी आपको मतलब कि थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं बिल्कुल अच्छे से जो सारी चीज़ें अच्छे से बता देते हैं, ये ना कि कोई आधा अधूरा। अब देखो सेम उसी जहाँ इतना स्पेस छोड़कर लिखे थे सेम उसी प्रकार से लिखना है, उसी के नीचे से, ये ना कि बीच में ना, उसी के नीचे से लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है ना। थैंकिंग यू लिखने के बाद इस तरीके से एक्सक्लामेटरी मार्क दे देना, एक्सक्लामेशन मार्क, उसके बाद यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जो है लिखना है यहाँ पर ब्लैक पेन से, यहाँ पर लिखना है योर सिंसियरली, और जो है अपना नाम जो भी है, मान लीजिए कि मेरा नाम कृष्णा है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कृष्णा, अब कृष्णा, और यहाँ पर कुमार लगा दूंगा, अपना मतलब जो है टाइटल ना दूंगा, टाइटल आपको भी नहीं देना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना है। अब चलो इस तरीके से मैं लिख दूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा कि अच्छे से यहाँ से खींच दूंगा कि यहाँ पर ये समाप्त हो गया, इस तरीके से स्केल से इसके ऊपर इस तरीके से एक लाइन खींच देना, ये टॉपर का सीक्रेट तरीका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मत लिखना, अब जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करोगे अगले पेज से स्टार्ट करना, और देखो इस पर आपको फुल में 4 नंबर दिए जाएंगे फुल मार्क्स। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, अच्छा तरीका मैंने बता दिया, और आज के वीडियो से आपका 4 नंबर मैंने फिक्स करा दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।